मुखर्जी नगर को देश में आईएएस आईपीएस की खान कहा जाता है, लेकिन शनिवार को हुए हादसे के बाद से ये पूरा इलाका विवादों में है। देश की चर्चित दृष्टि आईएएस कोचिंग के बेसमेंट को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सील बेसमेंट में जो बैच चल रहे थे उसमें 700 बच्चे पढ़ते थे। दिल्ली की मेयर शेली ओब्रॉय ने खुद से दौरा कर कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की। प्रीत विहार के कोचिंग सेंटर को निरीक्षण के बाद मेयर ने सील कर दिया। मेयर ने कहा कायदे कानून का उल्लंघन कर जो लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई और तेज होगी। देखिए आज हम संस्कृति अकादमी के बाहर खड़े हैं, हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है। पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है हमें उसका बहुत ही अफसोस है और आने वाले समय में अभी पूरी दिल्ली में और एक्शन होगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली का पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आज प्रदर्शन कर बीजेपी पर निशाना साधा। बंद करो, कोचिंगों को रेगुलेट करो। उधर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हैं। वो बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा लिया। तीन छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है और दोषियों की तलाश की जा रही है।